ना मेरे मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कुत्ते के बच्चे दूर हो जा मेरे मुल्क से। एक कलेक्टर, एक मिनिस्टर, एक सूबेदार। आई एम द मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान इफ इट वॉज ऑल अबाउट मेकिंग इलीट कॉन्टेंट। वो सब तो ठीक है, ये मेरी पैंट क्यों गीली हो रही है? के मतीराबाजी जब फील्ड में आई थी उनका टैलेंट कितना छोटा था। हाँ ये तो है। अब उनका टैलेंट कितना बड़ा होस्ट बन गई है वो। हाँ ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही है, है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका मैं खुद पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ रिजवान। सिर्फ आप फैन नहीं है भाई, मैं भी बहुत बड़ा फैन। आप भी उनके बहुत बड़े पंखे हैं। और ये पहले ऐसे कॉन्टेंट क्रिएटर है कि इनका कॉन्टेंट मैं पूरा देखता हूँ। आप भी मतलब जो मैं हूँ वो आप भी हो। मैं गधा हूँ, तू भी गधा है? नहीं मैं गधा नहीं। अच्छा ठीक है, इनका कंटेंट पूरा देखते हैं और सिर्फ एक अल्फाज बोलूंगा और आप लोग पहचान जाओगे ये कौन है। कौन है? हेलो सेक्स पीपल, वन एंड ओनली अपोलो ग्रावी। ये क्या हुआ, क्यों नहीं फट रहा तुमसे? भाई यार ये बजट कम है लेकिन ये कैमरे में आ गया होगा ना। ये आ गया भाई। ये क्या करते हो, कहां से इतनी एनर्जी लाते हो वीडियो में यार? और मतलब कैसे, क्या मतलब इतनी जान वीडियो में जान लग रही है? क्या खालिस दूध पीते हो? गाय पे भरोसा नहीं करते? कौन सा दूध पी रहे हो, डब्बे का पी रहे हो, क्या कर रहे हो? एनर्जी कहां से आ रही है? बिल्कुल हम ईरानी दूध पीते हैं और उससे ये होता है, मतलब दूध का तो ऐसा वो नहीं है, बस अब एनर्जी मतलब जान आती है। मतलब दूध पीने से, दूध पीने से बंदा होशियार होता है, आपको पता है? अच्छी। अच्छा पूछो, दूध पीने से होशियार कैसा होता है? कैसे? दूध खुद बहुत होशियार होता है। क्यों? अब आप उसको पतीली पे रख के खड़े हो जाओ ना, कभी भी नहीं गिरेगा। जरा सा आप ये सुसु करने चले जाओ बाथरूम लग पर आके बोलने गिरेगा। ये कहते हैं एक मिथ है कि आप जब देख रहे होते तो नहीं उबलता और जैसे आप पीछे हटोगे तो वो उबल जाएगा, उबल जाता है, हटोगे तो उबल जाएगा। ये आज कसम खाई, आज तुम सीरियस रहोगे हैं? नहीं नहीं मैं नहीं नहीं सीरियस नहीं यार, तुम्हारी कसम करने आए कौन? नहीं नहीं मतलब मैंने देखा शुरू में तुम्हारी वीडियो पे थोड़े कम व्यूज आते थे, मतलब 1,000, 5,000, 50,000, 2,00,000, 3,00,000, मिलियन, 5,00,000, मिलियन, ट्रिलियन। नहीं नहीं अभी इतने से नहीं है। अबे ये आ जाएंगे, आ जाएंगे, हौसला रख, हौसला रख इंशाल्लाह। तो ये क्या इसका राज है यार, क्या तुमने ऐसी कंटेंट में इधर उधर शफलिंग करी है? तुम नाच रहे हो, बेसिकली आपको पब्लिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि पब्लिक को किस टाइप का कंटेंट चाहिए। अगर आपको पब्लिक का दिमाग पढ़ने आ गया ना कि आपको पब्लिक इस वक्त किस चीज की नीड में, सही, तो बस आप वहां पे जीत जाओगे। मतलब आजकल लोग तो खैर बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें कर लेते हैं। आजकल तो बड़ा न्यू वो चल रहा है, कोई किसी को मार देगा, वो कपड़े उपड़े फाड़ देंगे एक दूसरे। नहीं मुझे तो, एक सेकंड ये इसने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल किया। ये वायरल होने का तरीका है, वायरल होने का। आप मुझे पार्क में मिलाओ, वहां आप मेरे कपड़े फाड़ो, वहां मैं आपकी वीडियो बनाऊं और वहां पे आप इकरार करें कि मैंने शामी कबाब खाने। बहुत गहरी बात कर दी है मैंने, ये बहुत गहरी बात कर दी। इकरार करें कि आपने शामी कबाब खाने हैं, बहुत गहरी बात कर दी है अहमद भाई ने। और फिर आप ये जो ये आ गए ना, ये आर्टिकल भी छाप देते हैं। हाँ बेसिकली ₹50,000 में सारा गेम आर्टिकल्स के ऊपर होता है। मतलब आवाम जो डाइवर्ट होती है ना, उनकी अटेंशन वो आर्टिकल से होती है। मतलब कोई भी सीन होगा ना, उसका इतना बतंगड़ नहीं बना होगा जब आर्टिकल्स उसके ऊपर फिर छपना, पेड आर्टिकल्स छपते हैं तो ज्यादा आवाम तक पहुंचता है, फिर लोग उसके ऊपर रिसर्च करते, फिर वो ट्रेंड बन जाता है। आर्टिकल्स कितना अजीब अजीब आ रहे हैं, हरीम शाह का पेट खराब हो गया, मोशन लग गया आर्टिकल। हाँ ये कौन सा आर्टिकल है भाई, ये कौन छाप रहा है ऐसे आर्टिकल यार? एक चैनल है भाई, छाप रहा है, छाप रहे हैं भाई, बड़ी अच्छा, बात है। मुझे मुझे जो है ना, अगर आज के यानी कि आज के दौर में फेमस होना है तो मुझे क्या नेगेटिव होना पड़ेगा यार? कपड़े पहनने मतलब पड़ेंगे, ये जरूरी है? नहीं लोग करते हैं ऐसा, लेकिन ऐसे फेम का लाइक वाइज फायदा नहीं है, क्योंकि बाय टाइम आपको लोग, जैसे आप हिंदुस्तानी भाव की मिसाल ले लें, हिंदुस्तानी भाव कितना मशहूर हुआ था अभी, बेसिक मतलब आप उसकी मिसाल देख लें आपके सामने अभी करंटली वो कहाँ पर, कोई अच्छी बात भी बोलते थे घपा घप, वो मतलब वो जो भी बोले वो एक तो उसका जो मोटिव था वो तो बहुत ही फारिग मोटिव था, और दूसरा ये कि जिस तरह वो वीडियोस बना रहा था ना, तो बाय टाइम इस तरह ऐसे जो लोग होते ना वो बाय टाइम वो फिर गिर। आज देखो ना उसका अकाउंट वगैरह सब बंद हो गया, जेल में पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। टिकटॉकर के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, उनके जानी दुश्मन क्यों हुआ यार? मसला मतलब अभी मेरी तरफ देखें, ये भी टिकटॉकर है छोटा सा। नहीं नहीं रिजवान भाई की मैं वीडियोस देखता हूँ यार, मेरा कोई ऐसी जंग नहीं है, मतलब मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी। अबे रहने दे, जंग नहीं है, मैंने तेरी वीडियो देखी टिकटॉकर, मतलब ये पूरे बम फेंके हैं भाई, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अबे मैंने 8-10 वीडियो बनाई थी टिकटॉक पे, उसकी वीडियो देख के मैंने टिकटॉक अकाउंट ही उड़ा दिया। नहीं उसमें मेरा सीन ऐसा है, मतलब मैंने उसको इस तरह रखा है कि मतलब सब पे नहीं, मतलब ये नहीं बोलता कि प्लेटफॉर्म ही बंद कर दो, प्लेटफॉर्म नहीं बंद करना चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म है।
मतलब एक प्लेटफॉर्म टैग होता है, हर प्लेटफॉर्म का एक टैग होता है। अब वहां पर जो टैग लग गया ना वो बहुत गलत टैग लग गया, मतलब ये कि वहां पे लोगों ने सोच लिया कि अगर हमें फॉर यू पेज पे जाना है तो हमें कुछ गलत हरकत, वो कोई बोतल तोड़ के अपने सर पे बोतल रख लेगा, मतलब एग्जैक्टली वो सब आड़ी टेढ़ी चीजें करने लगते हैं। समझ गया बिल्कुल। तो ये उनका मोटिव बन गया। अगर आप अब जो टिकटॉक पे मेरे कुछ दोस्त हैं जो अच्छा मेरे दोस्त हैं जो टिकटॉक यूज करते हैं, वो उनका कंटेंट बड़ा अलग है टिकटॉक पे, लेकिन वो इतने फेमस नहीं है या वायरल नहीं है या उनके पास रीच नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि उनका बहुत सोबर कंटेंट। मैं बता रहा हूँ ना क्या करना पड़ेगा, आप अगर किसी भी चीज में आपको फेमस होना है ना, तो आपको अगर पता लग जाए चीजों का, पेजेस वगैरह भी होते हैं भाई, आप पैसा तो आपको वायरल कर देंगे। हाँ, होते फिर होते वो होते। अगर मैं आपसे कॉल करके पूछूंगा ना, वो बोल रहा भाई गालियां भी पड़ेंगे, वो बोलता पढ़ने तो गालियां यार, तो मेरे साथ फेमस होना है, मेरे साथ तो लोग कुछ भी बोले मुझे, लेकिन ट्रेंडिंग पे आना है। हाँ, हम लोग करते हैं ये, हम इतना अच्छा कंटेंट बना रहे, कोई डिस्कस नहीं कर रहा कोई पेज वेज। हाँ, ये इकरा जी जाम शोरों पे मच्छी खाने जा रही है, उसका आर्टिकल छप रहा है उसके पेजेस, वो कर रहे एक एक ड्रामा पेज है कोई, वो इस तरह के लगा देता इकरा जी जो है जाम शोरों मच्छी खाने गई है यार, इनका इस तरह का सेटअप है, मछली वाले का कोई आर्टिकल नहीं छाप रहा जो नहीं। आप ये देखें कि ड्रामे हिट नहीं हो रहे आर्टिकल ज्यादा हिट हो रहे आर्टिकल, तो मतलब आधे से आधे लोगों की तो दुकान ही आर्टिकल्स की वजह से चल रही है, मतलब कुछ जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं नहीं, मेरे मेरे जानने वाले नहीं आर्टिकल्स मेरे ऊपर, तभी तो नहीं छपे हुए अभी तक, वरना मेरे ऊपर छप चुके होते, वरना छप चुके होते। इसके बजट थोड़ा कम है, बजट मेरा थोड़ा कम है, मैं अपने असल में काम से काम रखता हूँ ना, तो इसलिए मैं आर्टिकल वगैरह पे वो नहीं करता, मेरे लोग खुद अप्रिशिएट करते तो वो ज्यादा। अच्छा मैं एक बात पूछ रहा हूँ जी जी, व्यूज तो माशाल्लाह आ रहे हैं, माशाल्लाह से आ रहे हैं, रिश्ते भी आ रहे हैं यार कोई नहीं, रिश्ता रिश्ते रिश्ते यार, वो आई लव यू नहीं नहीं तो मतलब नहीं रिश्ते वगैरह क्या, मतलब शर्माई नहीं मुझे लगा शादी ये वाली चीज मिटाए, फिर उसके बाद तरक्की करेगा। मैं वो तो बता रहा हूँ, मतलब मेरी जो थिंकिंग है ना वो ये है कि मतलब अभी जो मेरी उम्र है अभी करंटली जो हमारे यूथ के लड़के है ना, मतलब जो यूथ है ना हमारी यार, मैं 20 साल का तो हूँ, तो मैं मेरा जो अभी जो करंट मेरे दिमाग में जो टेंशन है सबसे बड़ी वो ये कि यार मुझे आगे क्या करना है, मुझे फ्यूचर में क्या करना है, उम्र में क्या कर रहा हूँ, मतलब काम के बारे में ही है अभी अभी एक मिनट एक मतलब अभी जो मैं देखता हूँ, मैं बस काफी सारे फेसबुक पे लोग आते रहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, वो उसने छोड़ दिया, हाथ काट लिया और सिगरेटें जला ली वगैरह, और वो नशे में रोड पे पड़े हुए हैं। हाँ, मतलब मोहब्बत मोहब्बत के चक्कर में आजकल बड़े लड़के हैं, लड़की के पीछे क्यों भाग रहे हो यार, शादी हो जाएगी नहीं, शादी की जल्दी नहीं है, मैं यही बता रहा हूँ कि मतलब काम की जल्दी है, मुझे ये जल्दी है कि मैं अपने कोई काम चाह रही हूँ, शादी से पहले जो काम होता है तुम पहले वो कर लो, शादी बाद में करो या किस चीज का मुझे अपना माइंड बताओ। मेरा जो माइंड है ना, मतलब मेरा माइंड ये है कि पहले मैं कामयाब हो जाऊँ, पहले मैं जिंदगी, मतलब मुझे मेरे शौक है, मतलब मुझे ऐसे क्या शौक है, जैसे मैं वो ही बता रहा हूँ ना, जैसे डिफरेंट कंट्रीज में जाना है, ट्रैवल करना है, घूमना फिरना है, पार्टीज करनी है, तो मुझे इस तरह के शौक है, पहले ये पूरे कर ले, मतलब पहले हम अपना जो जो आपकी जो जवानी होती है ना वो उसको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को जील कर कैसे जीले। ट्रैवलिंग इज अ ह्यूमन नीड, हाँ मतलब आप जब सफर जरूरी है, तो जैसे दोस्त सफर के और यार आप सफर करें इंसान का पता चलता है कि किसके पास से कौन सी बदबू आती है, कौन खराब, बिल्कुल ये तो मैंने एक्सपीरियंस करा है, ये तो मैंने एक्सपीरियंस करा है। मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था, वो भी खैर एक लंबी डिबेट है, वो लड़का थी या लड़की, लड़का ही यही बैठा हुआ ये सामने, इंटरेस्टिंग बाकिया बताओ जिसपे आप लोग पकड़े गए। बिल्कुल एक मसला ये था कि हम लोग ना मतलब टूर पे बड़ा अलग अलग रहते थे, मैं अपने गाने लगा के साइड में बैठ गया था, अब ये ना ऐसे कैमरा पकड़ के वीडियोस बना रहा हूँ, अब मुझे ऐसा लगता था ये व्लॉग बना रहा है, इस तरह का हमारा सीन था। व्लॉगर की लाइफ ही अलग है, वो व्लॉगर ना एबनॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल ऐसे आप व्लॉगर अलग नजर से देख रहा है, आप तो आपके सामने बकरा आ गया, अब आप ये सोच रहे मैं इसको ये फोड़ूंगा वाह ये वे, लेकिन व्लॉगर कैसे देख रहा हो यार इसको मैं यू शॉट लूंगा तो कैसा आएगा, ये जाएगा तो क्यों आएगा, व्लॉगर एबनॉर्मल हो जाता है यार, बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी बीच में नहाते वक्त व्लॉग बनाया था, कुछ और बना होगा, कहाँ डालूं, ये भी तो एक मसला है ना। अच्छा मैं ये कह रहा हूं जो नए कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, हाँ, वो कहते हैं यार कि आप कैमरा कौन सा यूज करते हैं, लाइटें कौन सी यूज करते हैं, वीडियो कहाँ बनाते हैं, माइक कौन सा यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, कपड़े कौन से पहन रहे हैं, कौन से कह रहे हैं, कोई ब्रांड आ जाएगा शुरू में, तो कंटेंट पे ध्यान दो ना। हाँ, मुझे बताओ, ये तो है, ये तो है, कपिल शर्मा शो है ठीक है,
आपने कभी उसमें देखा कि भाई ये कपिल के मुंह पर लाइट कम पड़ रही है? नहीं नहीं ऐसा ये इसने पहले वो कर दिया या लाइट पड़ रही है, कैमरे कौन से यूज कर रहे हैं, या मशहूर गुलाटी की ड्रेसिंग सही नहीं है, या मशहूर गुलाटी की ड्रेसिंग सही नहीं है, या कुत्ती के आगे पीछे हो रहा सामान आपने ही नोट किया? नहीं नहीं, आप उनकी कॉमेडी इंजॉय कर रहे हो। कॉमेडी इंजॉय, तो जब कॉमेडी इंजॉय होगी तो हर चीज इंजॉय होगी। अब मैं एलेक्सा एरी लगा के कुछ भी ना करूं तो फिर वो फायदा नहीं है उसका। एलेक्सा एरी क्या भाई, बेसिक उनका जो भी मेरे हिसाब से जो सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यार हम कंटेंट क्या बनाए, हम आउट ऑफ द बॉक्स चीजें क्या बनाए, आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट आइडियाज क्या सोचे, छोटी छोटी फिल्में बनाए, क्या बनाए, मतलब आप छोटी छोटी स्किट्स बना सकते हो, अपने कोई कैरेक्टर्स लेकर आ जाओ आप, डिफरेंट बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो आप एक सोफे से भी हिट हो सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सोफे पे बैठ के आप इंटरव्यू करो यार, इतनी गंदी ज़हनियत, मतलब बावजूद आदमी तुम्हारे साथ बैठ ही नहीं सकता भाई। ये अभी हम सोफे में नहीं बैठे, सोफे में बैठे हैं ना यार। मैं कुछ और बात कर रहा था, मैं कुछ और बात कर रहा, बात कर रहा प्लीज। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप एक सोफा खरीदे, उस पर इंटरव्यू करें, आपको उसी में व्यूज आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है, ये बात तो देखा भाई आपने क्या होता है, ये बात है, ये तो है। ये देखो वेब सीरीज की तरफ जा रही है दुनिया, इस पे जरा टॉर्च मारो इस बात पे। यार सीन ये है कि मुझे बड़ा शौक है वेब सीरीज बनाने का, लेकिन मसला ये है कि अभी करंटली लड़कियां नहीं मिलनी, क्या हो गया करंटली? नहीं नहीं, जो मेरा इशू है बेसिक, अभी मेरे पास लड़कियां भी होती है ना। नहीं लड़कियों का इशू नहीं है, दूसरे इशू है, दूसरे इशू है, प्रोडक्शन इशू है। क्या प्रोडक्शन के इशू है अभी, मतलब क्वालिटी अगर मैं शुरू करूँ तो मैं उसी से रिक्वायरमेंट, हाँ मतलब जो उसकी होती है, जो जो बेसिक नीड है ना, जो वेब सीरीज की नीड है, बिल्कुल ऐसी है। उस तरह हम शूट करें, मतलब अगर मैं मोबाइल से शूट करना शुरू कर दूं तो वो मजा किरकिर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, मोबाइल से एक वो इंडिया का डायरेक्टर है, वो व्हाइट बॉल वाला कौन है, संजय लीला भंसारी, भंसारी कौन है? हाँ, उसने आई थिंक, मैंने सुना था, अच्छा मैंने देखा नहीं, उसने आईफोन 6s से जो है ना वो शूट करी थी मूवी, करी है तो वो, लेकिन आप तो और उसने शूट करी है और देखी भी उसी ने, मजे की बात ये अच्छा यानी आप कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ी देखना। अच्छा मैं भी सोच में चला गया, कौन सी नहीं है, थोड़ी देखना है। हां हां, तो मतलब कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन बस अपने लिए नहीं करो, लेकिन नहीं करे तो ज्यादा बेहतर है, टाइम जाया होगा, कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा तो आप बैठ के, अगर आप अच्छे बोलने वाले हो तो आप अच्छा बोलो, आप और क्या करो, क्या मैं ही बोलूं सारा, तू भी बोल ले कुछ, ऐसे ही बैठा हुआ है कब से। अच्छा नहीं बोला, ये खामोश बैठे हुए आज। अबे मैं तो बात कर रहा हूं यार, हम तो कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, हमारी जो वीडियोस में हमने करंट देखा है ना, वो अभी करंट नहीं है, वो करंट अभी अभी मैं इम्प्रूवमेंट देख रहा था कुछ इसकी वीडियो ना, अबे जो ये नाचा है वो भाई। अच्छा मेरे, मैं अगर आप मुझसे पूछ रहे तो मैं एक बात बताता हूँ, वो एक बड़ा मैंने भी एक मीम बना के डाली, वो एम्पावरमेंट वाली। अब वो बेसिकली जो मीम बनाई थी ना, वो मैंने मीम बनानी नहीं थी, मेरा वीडियो का मोटिव था वो, मतलब वीडियो का पार्ट था वो। तो उसके अंदर जो हमने कैरेक्टर पोर्ट्रे करा है, जो उसकी बीवी होती है सलमा मिनाज, वो हमने इस तरह पोर्ट्रे करा है कि वो बहुत मॉडर्न है, और वो जैसे बोलिए कि स्ट्रिपर्स क्लब बोलो इसको, मतलब इंग्लिश में जबरदस्ती चीजें बोल रही है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, उसका कल्चर नहीं है। तो वो अपना वो कल्चर बनाना चाह रही है बाहर से, वो हाईलाइट उसका मिनाज नाम इसलिए कहा, जैसे निकी मिनाज तो उसका सलमा मिनाज, मिनाज लोग पढ़ रहे हैं, मिनाज वो एक बंदे ने टैग कर दिया, अबे आपने तो मेरे मामा मामू का नाम, मामू मामी का नाम रख दिया सलमा मिनाज करके कुछ, वो अख्तर उस बंदे का नाम था जो हमारा एक्टर था, तो बोल रहा है कि मेरे मामू का नाम अख्तर है और मेरी मामी का नाम सलमा है, आपने तो ये उनके ऊपर, पता नहीं कितने होंगे। तो मैंने ये बोला, मैंने ये बोला ये बेसिक चीज है, तो यार मतलब लोगों को पता क्या, इंग्लिश का पता ही नहीं है जुमलों का ना, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, व्हाट इज बेबी डॉल, शी इज अ सेक्स कैरेक्टर। अच्छा आप गा रहे हो, आप गुनगुना रहे हो, नहीं पता ना, आप अपने घर में चला रहे हो, अगर हमने तो एक टेम्पलेट ही बनाया, आपको इंग्लिश आती नहीं है, ये तो हमारे सामने तो जो इंग्लिश बोले हम तो बोलने बोल ले भाई, अल्लाह तो देख रहा है, मतलब सामने वाले को अगर नहीं आती तो आप उसको बोल दो, आप बोल देंगे अल्लाह तो देख रहा है यार, अल्लाह तो देख रहा है, ज्यादती कर रहा है वो इंग्लिश बोल रहा है हमसे, जिसको आती नहीं है, हमारे तो आंसू टपक जाते भाई, बोल ले इंग्लिश भाई, बोल ले, हमें भी आएगी, आएगी आएगी, सब आएगी, एक दिन तेरी भी पकड़ होगी, सबकी पकड़ होगी। उसको आप उर्दू में पकड़ लिया करें, आप उसको खतरनाक उर्दू बोले भाई, लोग बोलते हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप जाहिल हो, भाई मेरा ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता कितनी सही है गलत है, लेकिन जिसको उर्दू नहीं आती मैं तो उसको जाहिल कंसिडर करूंगा, बिकॉज उर्दू आपकी कौमी जबान है, सही है ना यार, सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला मैं बोल रहा हूँ यार, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी आपने भाई, यार दही खा के आया था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आप उर्दू बोल रहे हैं, आपको क्या क्राइटेरिया, मतलब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है लाइक ऑडियंस को लेके, मतलब आपने अभी तक क्या ऐसा सोचा कि ऑडियंस को आजकल क्या नीड है? यार ऑडियंस को जो नीड है ना, हाँ वो मैं तो नहीं कर सकता, मतलब उसके अलावा क्या नीड, थोड़ी ना
जरा डबल स्टैंडर्ड है ऑडियंस के ना. हाँ वो कहते कुछ है और हमें इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाओ. हाँ देखता कोई नहीं है. देखता कोई नहीं है. ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है. क्या चल रहा है वो आपको भी पता है. जुनैद भाई ग्रेट है यार, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो कितना ग्रेट आदमी है, वो बुक्स पढ़ता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है. बिल्कुल. लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है, वो तो मजाक बना रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं और व्यूज किस पे आ रहे हैं. उनकी वीडियोस मैंने देखा जो उनका काफी मैच्योर कंटेंट होता है ना उस पे व्यूज कम होता है एज कंपेयर टू उनका अगर कोई वो कोई मतलब हाँ जैसे वो ट्रैफिक रूल्स था 18 प्लस कंटेंट बेसिकली तो वो उनका ज्यादा हिट है एज कंपेयर टू मैच्योर कंटेंट. बात है जैसे आपके पास सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त मूरो भाई है. मूरो भाई का आप कंटेंट देखो मतलब सबको ये एक नया कूल है कि मूरो इज अ किंग और आज तक पाकि सब बोलते हैं मूरो को कि ये और वो लेकिन देखता कोई नहीं है मूरो को. मतलब बहुत मैं जैसे भाई मैं तो देखता हूँ मैं इंटरनेट पे चैंट नहीं करता इतना मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे काम पसंद है. भाई अगर आपको कोई ये बोल देना कि यार ये अच्छा कंटेंट बना रहा है तो उसको बोलते व्यूज तो नहीं आ रहे होंगे. असल में दो तरीके ना. अब देखिए दो चीजें मूरो भाई का जो मुझे लगता है मैं उनको पर्सनली नहीं जानते मेरी अजम्पशन है कि उनको मुझे लगता है कि वो पैसे के लिए काम नहीं करते. मतलब उनका पैसों के लिए नीड नहीं है. उनके पास पैसा है माशाल्लाह. वो वीडियो तब डालते हैं उनका मूड होता है और अपनी दिल से वीडियो बनाते तभी उनकी वीडियो अच्छी होती है. ठीक है बड़ा काम है. इसलिए मुझे मैं ये प्रेफर करता हूँ कि यार मूरो की वीडियोज मैं इसलिए देख लूंगा कि यार वो दिल से बंदा बनाए. मोस्टली मैं वीडियो जो यूट्यूबर्स की देखता हूँ उसमें ये 4 मिनट की वीडियो है इसमें 2 मिनट वो आड़े टेढ़े कूदेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे और 2 मिनट का उसमें स्पॉन्सर आ जाएगा. मैं आपको अभी बात बताऊं मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में ना नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये खत्म हो जाएगी क्योंकि आजकल के लोग ये बोल रहे हैं कि आप हमें हिट करो चाहे वो जो भी. यार मैं भी एक नाम है लेकिन ले नहीं सकता. लेकिन ले लो क्या उसे नहीं, आकड़ा है क्या है मतलब? नहीं नहीं मतलब ले नहीं सकता. एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि एक बंदा था उसने मुझे रीच आउट करा था. बता दो उसने नहीं नहीं आप बस बात तो सुनो. वो मुझे रीच आउट करके बोलता है कि मेरे ऊपर वीडियो बनाओ भाई और ये और वो तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा ये बस मेरे ऊपर वीडियो बना दो. मुझे तुम्हारा रोस्टिंग का स्टाइल बड़ा क्रेजी लगता है मेरे ऊपर वीडियो बना दो मैं तुम्हें पे कर दूंगा. हाँ मतलब कहना तो वही चाह रहा है ना. वो चाह रहा है ना वो और क्या मतलब. मैंने बोला भाई मैं क्यों बनाऊं भाई मुझे बनानी नहीं है. आप क्या मतलब वीडियो में सिपारा पढ़ा रहे उनको क्या. मैं क्यों बनाऊं यार नेगेटिव हो रहे और मतलब उसकी जो मुझे उसका लगा जो उसका थॉट लगा वो यही लगा कि यार उसने बोला कि हाँ ठीक है मुझे वक्ती तौर के लिए लोग गालियां देंगे लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा हाँ मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे जो लोगों की जो मुझे उस बंदे की सोच नाम होंगे तो क्या, क्या नाम ना नहीं होगा. वाह वाह वो तो एक अलग अहमद भाई देखे एक बंदा मशहूर होता है तो उसको लोग डिफेम करते हैं वो एक अलग चीज होती है. लेकिन वो तो एक नेचुरल है वो ट्रेंड है मतलब उसको करते हैं लोग. लेकिन एक ये पॉइंट कि मुझे पहले आप गालियां देके वो कर दो गालियां दे देंगे जलील कर दो मुझे आप और फिर मैं एक टाइम पे जब मैं हिट हो जाऊं यार जैसे आप अली खान हैदराबादी की मिसाल ले लो आज कहां है वो कहां है वो मतलब बड़ा हुआ वो मशहूर हुआ वेला मच गया भाई इंटरनेट पे. उसको पहले लोगों ने मशहूर किया फिर लोगों ने सोचा कि इसके अंदर टैलेंट क्या है. बेसिकली यहाँ ऐसा होता है कि पहले टैलेंट होता है फिर बंदा मशहूर होता है. वो पहले मशहूर हो गया फिर लोगों ने खंगाला उसको आटा छानने वाली छन्नी होती है ना उससे टैलेंट कहाँ है. एक महीना वेट करा 2 महीना वेट करा 3 महीना वेट करा टैलेंट नहीं है यार. मतलब जो अली खान हैदराबादी था ना बेसिक जो टिकटॉक की जो प्लेटफॉर्म है जो उनका माइंडसेट है वो अली खान हैदराबादी वाला है. अब मैं इस तरह मतलब इसको समझाते हैं कि उनका जो माइंडसेट है वो जैसे उसका आपको एक सीन बताऊंगा जिसने रेसिस्ट हरकत करी थी हाँ. उर्दू इसीलिए मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ. हाँ. उसने एक रेसिस्ट हरकत करी थी. हाँ इंग्लिश फंस रही है आज जबान लहरा रही है. तो वो एक लड़की को मतलब काली वाली बोलता है वो आपने देखा होगा वो बहुत ऑफ चीज करी थी उसने. ब्रदर वो भी प्लान था यार वो भले प्लान तो लेकिन इसीलिए तो होता है कि आप यही तो बात हम कर रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव. हाँ ना उसके बाद आप देखो इंटरनेट के ऊपर एक वो भूम पड़ गया था बस. आपको एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ. ये टिकटॉकर्स जो हैं हमारे अच्छे वाले नहीं बोल रहा गंदे वाले बोल रहा हूँ ताकि उनसे भी जान छुड़ी. हाँ. मसला हाँ. ये है मतीराबाजी अभी एक शो कर रही है. हाँ. तो एक तो ये है कि मेरी इंसल्ट हो रही है ये एक खतरनाक चीज है. बिल्कुल. लेकिन मेरी इंसल्ट हो रही है और मुझे पता भी नहीं चल रहा ये उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है. ये तो वाकई बहुत खतरनाक चीज है. मतीराबाजी इतनी बेइज्जती कर रही है
यार वो इतनी तो... बेइज्जती कर रही है, हालांकि जबकि मतीराबाजी जब फील्ड में आई थी उनका टैलेंट कितना छोटा था। हाँ ये तो है, अब उनका टैलेंट कितना बड़ा, माशाल्लाह होस्ट बन गई है वो। हाँ ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि यार ये बच्चों की मैं इंसल्ट कर रही हूँ, ये तो है, ये तो है। हाँ असल में पंगा बन गया, अच्छा अभी लाइट के मुझे लाइट चली गई, लाइट चली गई भाई। अच्छा प्यारे भाइयों और अपने अपने भाइयों की बहनों, हमारी लाइट भी बुझ गई है और शो भी मेरा खत्म हो गया था, बातें बची हैं। मतलब यार आई थिंक हमने काफी अच्छा देखेंगे ना, अगर आवाम को पसंद आया तो हम फिर कभी कुछ कर लेंगे। आवाम को पसंद आया तो क्या बात है, और नहीं पसंद आया तो और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भाई, तो अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और यार आप बोलो ना यार, ये लोग तो लव बंदे हैं। नहीं ना भाई, लव नहीं है भाई, कोई लव नहीं है, कोई लव बस ये बड़ा लव शो कराते हैं अहमद भाई और रिजवान भाई हमें, और ये रिजवान भाई बस बड़ा अच्छा लगा आप मेरे पास आए, और अहमद भाई आप भी मेरे पास आए। थैंक यू और अच्छी बातें बहुत हो गई, अब जो आपका स्टाइल है वो दो अच्छी बातें तो देखो हर कोई करता है। क्या क्या स्टाइल देना? हेलो सेक्सी पीपल, ये चाहिए हमें यार, मुझसे जो आप लोग बोल रहे हैं बोल देते हैं हेलो सेक्सी पीपल्स।